गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम रितु अरोड़ा. आई एम योर एसएसटी टीचर. टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 8, कॉपी पार्ट पार्ट 1, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन इंडिया. हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. तो सो आवर क्वेश्चन 1 इज, क्वेश्चन 1 है डिक्टेशन वर्ड. डिक्टेशन वर्ड, फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड इज इंडस्ट्रीज. INDUSTRIES, इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज होती हैं जो उद्योग होते हैं बड़ी. जैसे हमें पता है इंडस्ट्रीज 3 टाइप्स की होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सेकंड नंबर है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन OCCUPATION, ऑक्यूपेशन होता है कोई भी जॉब या प्रोफेशन होता है, काम करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. थर्ड नंबर इज फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग. जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग होता है, खेती करना. फोर नंबर इज स्टेपल, STAPL, स्टेपल. जो मेन, जिसको हिंदी में मुख्य कहते हैं, दैट इज को स्टेपल. जो फूड से रिलेटेड आया है यहाँ पे इंडिया के लोगों का, जो स्टेपल फूड है वो राइस. स्टेपल क्रॉप क्या है? वीट एंड राइस है. सो नेक्स्ट इज प्राइमरीली. प्राइमरीली PRIMARILY, प्राइमरीली, जिसको प्राथमिक बोलते हैं. लाइक फूड क्रॉप्स प्राइमरी यूज होती हैं फूड के लिए, है ना. और कैश क्रॉप्स प्राइमरी ग्रो होती हैं मार्केट में सेल करने के लिए. तो मुख्य रूप से, जिसको कहते हैं हिंदी में, मतलब होता है मुख्य रूप से. नेक्स्ट इज लोकेशन, LOCATION, लोकेशन होता है जो पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है. यहाँ पे पर्टिकुलर किसी जगह पे पहुंचना होता है, दैट इज लोकेशन, लोकेट करना, लोकेशन. सेवेंथ नंबर इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट मतलब विकास करना. इंडिया, वो कह रहे हैं इंडिया को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो बहुत सारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज होती हैं, है ना. तो डेवलपमेंट वर्ड वहाँ यूज हुआ है, डेवलपमेंट मतलब विकास. एट नंबर इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर है ये क्या होता है, एक तरीके का जो ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है. इनका मेन मोटिव होता है, जो हॉर्टिकल्चर है उसमें जो मेन मोटिव होता है, जो क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने का होता है, ठीक है. रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन, जो क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति, मैंने आपको बोला था रेवोल्यूशन होता है, न्यू टेक्निक्स, है ना. हैंडलूम, HANDLOOM, हैंडलूम. हैंडलूम होता है जो बेसिकली टेक्सटाइल से, हैंडलूम हाउसेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बेडशीट्स होते हैं, मैट्स होते हैं, पिल्लो कवर्स होते हैं, हैंडलूम हाउसेज, जहाँ पे हमें सारा सामान मिलता है. नेक्स्ट 11 इज इन्वेस्टमेंट, INVESTMENTS, इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट होता है कुछ भी मनी हम लोग यूज करते हैं कोई भी वर्क करने के लिए. अब वो कम या ज्यादा किसी भी तरीके से हो सकती है, कुछ भी मशीनरी खरीदने के लिए, तो उसके लिए कोई भी वर्क करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट 12 नंबर इज मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग, जो चीजें बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, बनाना. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइंड. फर्स्ट डिफाइन इज ऑक्यूपेशन. लाइक मैंने आपको डिक्टेशन वर्ड में एक्सप्लेन किया, ऑक्यूपेशन is a job or profession, है ना. Like a job, कोई भी काम करना, कोई भी profession करना. Like a teacher teach करता है, वो teacher का profession होता है. Doctor है, वो treat करते हैं, वो उनका profession होता है. वो क्या होता है? Occupation. Occupation, job or profession. स्टेपल, STAPLE, स्टेपल, मैंने आपको बताया था. अ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट स्पेशली अ फूड, मतलब एक प्रोडक्ट जो स्पेशली क्या है, फूड है, दैट पीपल ईट और यूज रेगुलरली, जिसको हम डेली यूज करते हैं. लाइक हम वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, तो वो क्या है, मुख्य, मेन, स्टेपल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया, है ना. इन्वेस्टमेंट,
मैंने आपको पहले क्लियर किया है, इन्वेस्टमेंट होता है मनी यूज इन अ वे, मनी को यूज करने का एक वे दैट मे अर्न यू मोर मनी, जिससे आप और मनी अर्न कर सकते हो. लाइक हमें कोई मशीन लगानी है तो हम उस मशीन से कितना काम हमें हम कितना मनी अर्न कर सकते हैं, हमारे पास कितना है इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर थ्री इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर वन इज क्रॉप्स दैट आर ग्रोन प्राइमरी फॉर फूड आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स. जो क्रॉप्स प्राइमरी फूड के लिए, खाने के लिए यूज की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रो की जाती हैं. ऑप्शंस आर फूड, कैश या जेड. तो आंसर इज फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स जो होती हैं वो प्राइमरीली खाने के लिए यूज की जाती हैं, ग्रो की जाती है, दैट इज कॉल्ड फूड क्रॉप. सेकेंड नंबर इज राइस एंड डैश आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया. कौन कौन सी स्टेपल क्रॉप्स हैं, वी ऑल नो कौन सी हैं स्टेपल क्रॉप्स, जिनको मेनली खाने के लिए यूज किया जाता है, राइस एंड वीट. आंसर इज वीट, WHEAT, वीट. दैट इज राइस एंड वीट आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया. थर्ड नंबर इज कॉटन इज नॉट ग्रोन इन, मतलब कॉटन कहाँ ग्रो नहीं होती है, ठीक है, कॉटन कौन से स्टेट्स में ग्रो नहीं होती है. तो कॉटन गुजरात में होती है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होती है, महाराष्ट्र में भी कॉटन ग्रो करती है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ कॉटन ग्रो करती है. कौन कौन से हैं मेजर स्टेट, कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं बट यहाँ पे पूछा है कॉटन इज नॉट ग्रोन. अगर आपसे पूछते, अगर हमसे यह पूछा जाता कॉटन इज ग्रोन इन, है ना, तो आंसर इज गुजरात में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है. तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है नहीं की जाती है, नॉट ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉटन जम्मू और कश्मीर में ग्रो नहीं होती है. नेक्स्ट इज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कैन बी फाउंड इन डैश इन इंडिया. जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया में कहाँ पाई जाती है, मतलब कहाँ पे मिलती है. तो हमें सबको पता है कोची, कोची कहाँ पे है, इसकी बात हो रही है शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कोची जो केरला में है, कोची इन केरला, हैदराबाद में नहीं है, सूरत में नहीं है. तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहाँ पे फाउंड होती है, कोची में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड बास्केट्स आर फ्यू प्रोडक्ट्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज. जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ ही प्रोडक्ट्स बनाती हैं, है ना. कॉटेज इंडस्ट्री होती है जो स्मॉल से भी जिनका लेवल होता है, कॉटेज इंडस्ट्री जो स्मॉल साइज होती हैं, साइज में स्मॉल होती हैं, उनको लोग क्या करते हैं अपने घरों में या स्मॉल वर्कशॉप लगाकर उनको रेडी करते हैं, सेटअप करते हैं, है ना. उनके लिए कुछ फ्यू वर्कर्स, है ना, कुछ लोग रिक्वायर्ड होते हैं. तो वो कौन कौन से वर्क करते हैं, कैंडल्स एंड बास्केट्स. आंसर इज कैंडल्स. जो कार्स हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, और जो फर्नीचर है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं. तो हमारे पास ऑप्शंस और भी हो सकते थे, क्योंकि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं, और वो कहाँ सेटअप होती है, लोग या तो अपने घरों में सेटअप करते हैं या क्या करते हैं, उनके लिए छोटी वर्कशॉप बनाते हैं. तो उनके और भी कई काम होते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, बास्केट्स है, पिकल्स हैं, जैम्स हैं, बिस्किट्स हैं, पॉटरी है, क्राफ्ट है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कैंडल्स. तो आंसर इज कैंडल्स. वेरी गुड. टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आर क्वेश्चन नंबर फोर इज राइट ट्रू एंड फॉल्स. हमें राइट या रॉन्ग में आंसर देना है. तो फर्स्ट नंबर इज द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज मोर देन दैट इन कॉटेज इंडस्ट्री. बिल्कुल क्लियर है ये हमारे सामने. जो नंबर ऑफ वर्कर्स, सेंटेंस रीड कीजिए, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब वो बात करें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री से ज्यादा होती है. यस ट्रू, राइट है, क्योंकि जो कॉटेज इंडस्ट्री में होते हैं बहुत स्मॉल, मतलब फ्यू वर्कर्स होते हैं, उनसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होते हैं. यस, नेक्स्ट टर्न इज टू सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर इज राइस इज अ कैश क्रॉप. राइस कैश क्रॉप है. फॉल्स, क्योंकि
राइस एक फूड क्रॉप है जिसको प्राइमरी फूड के लिए मतलब खाने के लिए यूज किया जाता है। तो राइस इज अ फूड क्रॉप, तो दैट इज कॉल्ड, अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता राइस इज अ फूड क्रॉप तो वो यहाँ पे राइट होता। हमें आंसर करने से पहले फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। सेकेंड नंबर इज राइस इज कैश क्रॉप, फॉल्स। थर्ड नंबर इज द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज इज नोन एज इंडस्ट्री। जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल का जिसको गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में, वो इंडस्ट्रीज होती है। यस राइट, क्योंकि लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक वुड है ना, लकड़ी है, उससे हमें चेयर बनानी है, टेबल बनानी है, तो वो काम हमें टूल्स भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, तो उसके लिए हमें फैक्ट्रीज की रिक्वायर्ड होती है जिनको इंडस्ट्रीज कहते हैं। मतलब रॉ मटेरियल लाइक वुड एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक चेयर, टेबल, वुडन अलमीरा, तो ये राइट है। फोर नंबर इज कैश क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरी फॉर सेल इन द मार्केट। जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो किस लिए ग्रो की जाती हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, मार्केट पे सेल करने के लिए होता है। ट्रू है, क्योंकि कैश क्रॉप्स को प्राइमरी ग्रो किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए, उनको सेल करके मनी अर्न की जाती है। फिफ्थ नंबर इज ऑयल रिफाइनरी इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यस ट्रू, जो ऑयल रिफाइनरी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील है, कॉटन टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑयल रिफाइनरी है, शिप बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये सभी क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। क्वेश्चन रीड करिए, ऑयल रिफाइनरी इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, है ना। इसकी जगह आपसे कॉटन टेक्सटाइल भी पूछ सकते हैं, ऑटोमोबाइल भी पूछ सकते हैं, तो ये सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच द फॉलोइंग। वन नंबर इज बास्केट वीविंग। बास्केट वीविंग का वर्क जो होता है वो कहाँ होता है, कॉटेज इंडस्ट्री में। आंसर इज कॉटेज इंडस्ट्री। सेकेंड नंबर है टी। टी इज अ कैश क्रॉप। अगर यहाँ पे राइस होता, वीट होता और ऑप्शन इज फूड क्रॉप, सो आंसर इज फूड क्रॉप, बट यहाँ ऑप्शन हमारे पास है टी। टी इज अ कैश क्रॉप। थर्ड नंबर इज राइस एंड वीट। राइस एंड वीट, जो वीट है वो क्या है, स्टेपल क्रॉप्स हैं। स्टेपल क्रॉप्स होती हैं, जो मुख्य रूप से जो मुख्य क्रॉप्स होती हैं, मेन क्रॉप्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड राइस एंड वीट, जिनको स्टेपल फूड भी, स्टेपल क्रॉप्स भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर इज लिनसीड्स। लिनसीड क्या होते हैं, जो ऑयल सीड्स होते हैं। ऑयल सीड्स बहुत सारे होते हैं, लाइक मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, कैस्टर हो गया, है ना, ये क्या है, ऑयल सीड्स हैं। फिफ्थ नंबर इज क्लोव्स। क्लोव्स क्या है, स्पाइस। स्पाइस मतलब मसाले। जो हमारे इंडिया के स्पाइसेस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही फेमस हैं, और बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस कौन से होते हैं, क्लोव। क्लोव होता है लौंग, है ना, तो उसको हम स्पाइस कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है।